सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन, ग्रह गोचर की स्थिति आपके आज के दिन पर क्या असर डालेगी, जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल। अगर किसी काम में सफल होना है तो उसको परफेक्ट तरीके से करने में समय मत बर्बाद कीजिए, बस शुरू कर दीजिए, फिर बाद में उसे परफेक्शन की ओर ले जाइए। खुद को खोकर ही खुद को पाया जाता है। यदि किसी समय में सफलता नहीं मिल रही तो काम करने के तरीकों को बदलिए, इरादों को नहीं। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। आज का पंचांग 9 मई 2019, दिन गुरुवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 11:27 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 3:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:58 इसके उपरांत 3:37 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय 11:51 से 12:44 तक रहेगी। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। अच्छा, आपका दिल किसी सामाजिक कार्य के लिए दान करने को करेगा। अपने दिल की बात सुने और किसी सामाजिक संस्था की मदद करें। इस पुण्य के काम से जितनी खुशी लेने वाले को होगी उतनी ही खुशी आपको भी होगी। दिन अच्छा है, आपके ज्यादातर काम अचानक पूरे हो सकते हैं। कामकाज का जो भी नतीजा मिले उसे मान लें। आपके ज्यादातर फैसले सही हो सकते हैं। आपका मन स्थिर रहेगा, कुछ रुके हुए काम समय से पूरे हो जाएंगे। अपना ध्यान अपने महत्व के कामकाज पर ही रखें। कोई खास मीटिंग हो सकती है, किसी से मिलने जा सकते हैं या किसी से कोई बात भी मनवा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सावधानियाँ, मन में कोई आशंका आ रही है, आपका मन मेहनत पर कम ही रहेगा। जीवन साथी की सेहत संबंधी चिंता से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, किसी को उधार पैसा ना दें। लव लाइफ की बात करें तो दंपति अपने संबंध में ठहराव महसूस करेंगे। अपने साथी को कार्ड अथवा उपहार दें, आपकी समझ बूझ की सराहना होगी। आज आप अपने संबंध को लेकर जितना प्रयास करेंगे उसका प्रभाव उतने लंबे समय तक आपको व आपके साथी को सुख प्रदान करेगा। करियर की बात करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी समझ का प्रयोग करेंगे। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर या कलाकार हैं तो आपकी रचनात्मकता इस समय पहले से भी अधिक है। अगर आप किसी और क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आप अपनी चतुरता से सभी परेशानियों को हल कर लेंगे। इस तरह से जीत आपकी ही होगी और इससे आपकी संस्था को लाभ मिलेगा। सेहत की बात करें तो आज आप डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाएंगे। हो सकता है आपके अंदर ही अंदर कोई ऐसी बीमारी हो रही हो जो पढ़े लिखे डॉक्टर द्वारा ही पकड़ी जा सके। मिथुन राशि वालों के लिए आज का टिप्स, आज आप लक्ष्मी जी की उपवास करें और लक्ष्मी मंत्र से एक माला का जाप पेड़ के नीचे बैठकर करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।